वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद आसान सा उपाय, जिससे आप किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने समस्या उत्पन्न कर रहा है, आप उसे अपने वश में कर सकते हैं। इसे करने का बेहद आसान तरीका है, बस आपको एक वशीकरण का तिलक बनाना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको उसका एक तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप वशीकरण तिलक बना सकते हैं और वशीकरण तिलक के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर पाएंगे। इसे करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपको लेना होगा सिंदूर, तो आप थोड़ा सा शुद्ध सिंदूर ले लीजिए। इस तरह से एक पुड़िया में आप सिंदूर ले सकते हैं। अब आप इसमें, इस सिंदूर पे आपको मंत्र पढ़ना है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मंत्र बेहद आसान है। उस मंत्र का जाप करने से आप देखेंगे कि जो, जिसको भी आप अगर वश में करना चाहते हैं, वो आपके वश में होगा। तो मंत्र है, ओम वश वशी करणे विष्मी कली ओम वशी भूत स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र का जाप करते करते सिंदूर को अपने सामने रखिए और उसके बाद आपको एक लौंग की सहायता से, जी हाँ सिर्फ एक लौंग आपको चाहिए। आपको क्या करना क्या है, 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र को पढ़िए और लौंग के ऊपर आपको फूंकना है और उसके बाद लौंग की मदद से आपको सिंदूर को इस तरह से बस मिलाते जाना है, यानी कि 108 बार आपको मंत्र को पढ़ना है। मंत्र पढ़िए, उसके बाद इसे मिलाइए, फिर मंत्र पढ़िए, फिर मिलाइए। इस तरह से आपको इसे 108 बार मिलाना है। 108 बार आपको लौंग से इसको अभिमंत्रित करना है और आप उसके बाद इसे एक डिब्बी में भरकर रख लीजिए। जब आप किसी को भी वश में करने के लिए चाहेंगे, जब आप चाहते रहे होंगे कि आप किसी ऐसी महिला के पास जा रहे हैं, अपने बॉस के पास जा रहे हैं, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपको बस इसका एक चुटकी सिंदूर जो है वो आपको तिलक के रूप में लगाना है। तिलक के रूप में आप इसे सूखा ना लगाएं। इसमें आप एक बूंद घी डालकर और उसके बाद इसका पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद आप इसका तिलक लगा सकते हैं, जैसे कि हम मंदिर से आते समय तिलक लगाते हैं। उस तरह से जब आप इसका उपयोग करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो भी समस्या है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते या आप किसी अपने किसी करीबी इंसान से दूर हो गए किसी भी समस्या की वजह से, तो आप इसका उपयोग कर पाएंगे। और ये इतना आसान तरीका मैंने आपको बताया, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको घर के अंदर ही आप ये मंत्र कर सकते हैं और सिंदूर को भी मंत्रित करके इसका अपना तिलक बना सकते हैं घर पर ही। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो तिलक है वो आपको, जब आप जिसे आप वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति के सामने जाएं तब ही लगाएं, हमेशा ना लगा के रखें। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे, उस समय आपको उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके वश में हो, उस व्यक्ति का ध्यान करते रहना है। जब आप उस व्यक्ति को अपने ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, उस रात, उस समय जब आप इसका उपयोग करेंगे, तो ये आपको जरूर फल देगा। बाकी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार की रात्रि को अगर आप इसे करते हैं तो ये अचूक उपाय बन जाता है और ये आपको जरूर अच्छा, तुरंत जो है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना समय लगता है इसे करने में, तो आपको बता दें कि आपको तुरंत इस उपाय का फल भी मिल जाता है। तो आप इसे कीजिए। अगर आपकी कोई और समस्या है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो धन्यवाद भक्तों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए।